morning, all the way from Naran. राइट नाउ इट्स 9:22 AM इन द मॉर्निंग. देखो भाई, ये जो ट्रिप था ये हम लड़कों का नहीं था. आपको पता है हम लड़के निकलते हैं तो बाइक में निकलते हैं, बट दिस ट्रिप वॉज अ फैमिली ट्रिप, जिसकी वजह से जो हम यहाँ तक पहुँचे हम वो बना ही नहीं सकते. आप मुझे दोस्तों के साथ ब्लॉगिंग करवा लो मसलन, 100 बंदों के दरमियान में जाकर ब्लॉगिंग करवा लो मसलन, बट जब फैमिली की बारी आती है ना तो हवा निकल जाती. अब ये नहीं पता कि डर की वजह से निकलती है या शर्म आती है. तो इस ट्रिप में हमारे साथ हैं हमारी माताश्री, हमारे पिताश्री और हमारी बहन. 1:30 बजे हमने कल घर से निकलना था, लेकिन निकले एज यूजुअल. अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप कभी टाइम पे निकलोगे, आप निकलोगे 4 बजे, 4:30 बजे, अगर आपने 1 बजे का बोला. अगर आपने 4 बजे निकलना है तो आप निकलोगे रात के 8 बजे. सेम वही हुआ, निकलना 1 बजे था, निकले हम 4 बजे. फिर रात को तकरीबन 1:30 बजे हम नारान पहुंचे, होटल लिया, ऐसे थके हुए थे कि सो गए. और नाउ गुड मॉर्निंग. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नी खाओ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. इस जगह में पावर बैंक चार्ज ना करना मतलब कि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं. मतलब पावर बैंक नहीं होगा आपके पास तो आप चार्ज कैसे करोगे और कहां तक चला लोगे अपनी बैटरी, ज़रूरी है भाई. ओके, सो वो कॉफ़ी वाला आप लोग देख रहे हैं, ये दीज टू. अभी वहाँ पे जाना है और कॉफ़ी लेकर आनी है. देखो, अब दो तरह के बंदे होते हैं, एक वो जो नारान आके फॉर अ फैशन स्टेटमेंट कॉफ़ी पीते हैं, और एक वो जो चाय लवर होते हैं उसकी तरह के कॉफ़ी लवर होते हैं. मैं दूसरे टाइप में से, क्यों? क्योंकि हम पिंडी की सख्त गर्मी में भी ब्लैक कॉफ़ी पी के जिम जाते हैं, तो ये तो फिर भी ठंड है. सो आई एम गोइंग टू गेट माई कॉफ़ी. और ऐसी जगह में कॉफ़ी पी के ना वाकई मज़ा आता है. मतलब आप फील कर, मतलब यू गेट माई पॉइंट, राइट? यार जो वाइब्स होती है ना यहाँ की वो अलग है, और साथ कॉफ़ी हो जाए तो मैं कहता हूँ ओह माय गॉड. ओके, तो ये जो कॉफ़ी वाले थे ये तो बंद है, बाहर जाते हैं और बाहर जाके कहीं ढूंढते हैं. उस टाइम रश भी बहुत होने लगा. रात को जिस टाइम हम लोग यहाँ पे पहुंचे रश नहीं था, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से खाली था, जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था. बट इस टाइम पता चल रहा है कि भाई लोग अब आना शुरू हो, और 14 अगस्त है, कल भी छुट्टी है, और उसके बाद आगे मुहर्रम की भी छुट्टी आ जाएगी, तो इस वजह से लोग जो हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए. कि नारायण वालों को लगता है पिंडी वालों की गंदी आदत लगी, लेट शॉप ओपन कर दी, तीसरी शॉप कॉफ़ी वाली बंद है. मतलब कि इस जगह में कॉफ़ी बंद, सीरियसली कैन यू बिलीव दिस? ये सारी शॉप्स भी बंद है. जितना मैं नीचे तेजी से जा रहा हूँ ना उतना ही ऊपर जाते हुए मुझे मौत आ रही है. कॉफ़ी तो मिली नहीं, फिलहाल किसी से ही गुजारा करना पड़ेगा. बोला था ना ऊपर चढ़ते हुए थोड़ी सी हालत खराब होगी, होना स्टार्ट हो चुकी है. एंड भाई साहब, बादल आ चुके हैं यहाँ पे, बारिश भी स्टार्ट. ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर ऑल सेट टू लीव फ्रॉम हेयर. वैसे तो हम आए थे नारान कागान के लिए स्पेसिफिकली, बट अब हमारा यहाँ से प्लान बन गया है कि यहाँ से हमने जाना है बाबूसर टॉप. तो बाबूसर टॉप जाएंगे, फिर देखते हैं कि वहाँ से हमने आगे कहाँ पे जाना है, या गिलगित जाएंगे या हमजा. मोस्ट प्रोबेबली गिलगित ही जाएंगे, बट फर्स्ट हम लोग यहाँ से जाएंगे बाबूसर टॉप.
ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ पे बटाकुंडी फिलहाल हम पहुँचे और यहाँ पे रश कुछ एक्स्ट्रा ही है। पिछले आधे घंटे से यहाँ पे स्टक हैं, बिल्कुल रिंगते रिंगते आगे शहर। ऐसा व्यू और यहाँ पे बंदा रश में फंसे तो इतना फील भी नहीं होता। पिंडी में आप फंसो ना रश में फिर आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पे जो व्यूज हैं वो आपको एंटरटेन करती रहती है। ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, 2:30 बज गए हैं, अभी हम लोग रुके हैं मून रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं किया वाला, तो अभी रुके हैं मून रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे और फिर यहाँ से बाबू सर के लिए। यहाँ पे खाना फ्री में मिल रहा है। लंच हो गया, खाना बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का। तो अगर कोई यहाँ से गुजर रहा है, मून रेस्टोरेंट नजर आए, वैसे आपको बैनर और वो लिखा हुआ पहाड़ों में ऐसे का नजर आ जाएगा, बट ट्रस्ट मी खाना वॉज वेरी गुड, तो आप लोग यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से आगे लोलो सर लेक है, वहाँ पे 10-1 मिनट रुकेंगे और उसके बाद फिर बाबू सर टॉप। ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, बाबू सर हमने जो है क्रॉस कर लिया है, नीचे उतर आए हैं, अभी हम एक होटल में रुके हैं, यहाँ पे जस्ट एक क्विक ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स की चाय ब्रेक। मैं तो नहीं पीऊंगा, मम्मा पापा ने पीनी है चाय, वो पियेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। जस्ट शॉर्ट ब्रेक है, जस्ट 15 मिनट्स का। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, 15 मिनट्स का ब्रेक था, ले लिया, नाउ इट्स माई टर्न टू ड्राइव। फर्स्ट टाइम बाइक तो हम चला चुके हैं यहाँ पे, बट गाड़ी अभी तक हमने नहीं चलाई, फर्स्ट टाइम वील ड्राइव गाड़ी ऑन दिस रोड। हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गिलगित। रात को तकरीबन हम 10-10:30 बजे गिलगित पहुंच गए थे। ओके सो व्लॉग ज्यादा मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि यार एक तो मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा था, इस रास्ते में फैमिली साथ थी, तो मैं जो है थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाए उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि रोड पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। तो हम लोग तकरीबन 12:30 बजे नारान से निकले थे और 10-10:30 बजे तकरीबन हम लोग गिलगित पहुंचे। गिलगित में घर है तो हम लोग वहीं पे रात को स्टे किया। तो अभी गिलगित का जो सफर है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, फिलहाल इस व्लॉग को इधर ही खत्म करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें एंड हमें दुआओं में याद रखें। आस्ता अबिस्ता, अभी अपन खिसकता गिलगित, नेक्स्ट व्लॉग।